कर रही हूँ ये बैग पैक, भाई भारी हो गया ये बैग। तो ये जूता जूता डायपर नहीं है सुदुमी? हाँ। चलो डायपर फोर बो। चलो हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी मेरे चैनल पे। और मैं एक ही दिन में, आजकल मेरे बड़े चांदी सोना सब हो चुका है, एक ही दिन में दो दो व्लॉग्स मैं बनाती हूँ। तो अभी मैं जस्ट पार्टी से आई हूँ और आज ही मैं एक और व्लॉग शूट कर रही हूँ अपना, जो कि मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। चलो, तो मैं कर रही हूँ ये बैग पैक, भाई भारी हो गया ये बैग। तो ये बैग जाने वाला है चंडीगढ़, है ना? बढ़िया बस। अब आप सोचोगे भाई ये पोर्ट ब्लेयर से चंडीगढ़ कौन जा रहा है, मैं तो जा नहीं रही हूँ और मेरे पति भी जाने वाले नहीं हैं। तो क्या हो रहा है ना, एक्चुअली क्या है ना कि जीजू के एक फ्रेंड है जो कि चंडीगढ़ में, उनकी फ्लाइट आ रही है चंडीगढ़ से पोर्ट ब्लेयर। तो चंडीगढ़ से भी मेरे लिए बहुत सारा सामान आ रहा है, दोनों लगी पड़ी है। मैं तो एक ही बैग पैक कर पाई हूँ जितना मुझे मिला है। तो मैंने इसमें क्या क्या पैक किया है ये आपको ना, हाँ ओके, तो ये आपको ना इस बैग में, हाँ मामा खाचे एक तो डालो। तो इस बैग में क्या क्या है ना, वो स्प्रेहा के व्लॉग में दिख जाएगा आपको, मैं अभी इसको अनपैक नहीं करने वाली हूँ, ठीक है? और मेरे लिए जो आएगा ना, जो वहां पे जो चल रहा है वो भी आपको स्प्रेहा के व्लॉग में दिख जाएगा, ठीक है? तो आप उसके व्लॉग में जाके देख लेना उनकी प्रिपरेशन, मेरे व्लॉग में मेरी प्रिपरेशन देख। हाँ धुआ, अच्छा ठीक है चलो, तो ये उसमें दिख जाएगा। और ये अभी पैक, अभी मैं रात को मैंने इसको पैक कर दिया और ये दिखेगा आपको, ये नहीं, ये जाएगा कल और मेरा वाला आएगा भी कल। तो हम कल का इंतजार करते हैं कि क्या क्या आएगा, मैं आपको सब दिखाऊंगी क्या क्या इन लोगों ने भेजा है। ये तो पता नहीं ट्रॉली भर के भेजेंगे ना क्या भेजेंगे, भगवान जाने। मैंने तो ये एक ही बैग पैक किया। हाँ वैसे भी ये भाई भारी हो गया है, इसमें और भी कुछ मुझे रखना है बट वो इसमें नहीं आएगा, मुझे दूसरा बैग तैयार करना पड़ेगा। चलो देखते हैं क्या करते हैं। अभी ये तो रेडी है, ये मैं अपने सब पति को अपने भेजूंगी ये पहुंचाने के लिए। और मुझे ना बस पिज्जा का बहुत ज्यादा इंतजार है यार, पर इतना आने में तो वैसे दो घंटे ही लगेंगे, बट वो वहां से कब आएंगे फिर? हाँ बोले दिए, हाँ सुबह कितनी सुबह निकल जाएंगे, कितना टाइम लगेगा, तो नहीं हो पाएगा पिज्जा, आ नहीं पाएगा। पर वहाँ पे एक डोमिनी है, वहाँ का पिज्ज़ा बहुत पसंद है हमें, हम तीनों ही पागल है उस पिज्ज़ा के लिए। वो दोनों तो खा लेती है, मैं ही जब गई थी तभी मैंने खाया, उसके बाद से मैं खा नहीं पा रही हूँ। अब नेक्स्ट कभी जाऊँगी तो खा पाऊँगी, अभी तो नहीं आ पाएगा, पर कोई बात नहीं, अभी कल का इंतजार करते हैं। तो आपको पार्टी दोगी, बुलावा तो आया ही है, सब कुछ छोड़ चुनू को भेज देना, भेज दूँ क्या? हाँ डाइवर बोलो और चार डाइवर भर भी ले, जाओ डाइवर बोल जाओ, जाओ जाओ डाइवर भर ले, तब तक उड़ जाएगा। सही में डाइवर लाने वाले, अब इसमें क्या क्या है ना वहाँ जाके देख लो, ठीक है? हाँ डाइवर, हाँ पहले तो डाइवर डाइवर पेच हो, तो रिशा डायपर पे ले, डायपर नहीं पैंट पेचो, पैंट पेचो, पैंट तो तुम्हें पूरे आ छो, डायपर नहीं आ छो, डायपर पूरे देते हैं। हाँ जाओ डायपर नहीं आ छो, जाओ जूता जूता डायपर नहीं आ छो तुम्हें, चलो डायपर पोर बो। चलो चलो भाई साहब डायपर ये अलमारी से निकाल के लेके आ गई है। बाप ले मेरा छोटा बेटा डायपर निकाल के लेके आ गई, एक ना डायपर छिलो, आशो बाबा के बाई को रही, आशो आशो बाबा के टाटा खोल को, टाटा बाबा टाटा नीचे उसको दिखा रहे डायपर, डायपर डायपर जा डायपर नहीं दारी आछे बेटा, डायपर पोरे जाबे तुमी, कोथाय जाबे डायपर पोरे बोलो, हाँ हाँ ओखाने रेखे दो। आ गया भाई सामान हमारा, अभी खोल दूँ थोड़ी देर बाद। You guys are the nana!
गाजर का हलवा तो समझ नहीं आया क्या चीज है इसलिए और नहीं खा रही है। जिंदगी में पहली बार गाजर का हलवा देखा तो उसको एटा मिट्टी खाबे ओटा मिट्टी खे देखो भालो लागबे ओटा खाओ ना एटा मिट्टी ओटा मिट्टी खे देखो ना खा जेटा खाबे खा चुनू नूनू की मांझी तो खुशी हो जाएगी चलो कुछ तो खाया चुनू नूनू ने है ना कुछ तो खाया कुछ तो पसंद आया खाओ ओटाओ मिष्टी अच्छे खाओ ना एक तो टेस्ट करो नहीं उसको नहीं जम रहा गाजर का हलवा ये क्या अलग सा चीज है तुम ही खाओ ना एक टू खाओ ना भर के भेजा मासी अब तेरे अंदर सारा किया जी देखो वाह यासी दीदी पाती है जब तुम्हारे की सुंदर लग चे हाँ देखो ये कौन है आम के देखो वाह इतना आमर जुन्नू देखो मौसा अच्छा मौसा है ये तो मेरे लिए नहीं है भाई जा ये तो गलत निकल गया ये प्रिशा का है ये रहा रानी मम्मा ये इता आमर इता तोमर भीतुरे देखो भीतुरे की आचे I miss you प्रिशा I love you प्रिशा बोला मोटे आचे मौसा आचे मौसा ना बना मौसा नहीं बेटा इता हार्ट आचे दिल हाँ दिल बोलो यशी दीदी आलो लू यशी दीदी आई लव यू बोलो देखो तुम्हारे यशी दीदी आई लव यू लिखे पढ़िए से वाओ थैंक यू यशी देखो कितना सुंदर बनाया है ना जाओ बाबा के दिया छोटा बाबर जुन्नू अच्छे चलो बाबा के दिया छोटा बाबर जुन्नू अच्छे जाओ एटा एटा बाबा के दिखे आसो जाओ बाबा के जिज्ञासा करो बाबा सुंदर लगछे हाँ चलो बाबा के देखो ठीक है प्यार में जाओ शब्दों में हाँ आनी आसो हाँ देखो और देखो बाबा के आनी आसो हाँ बाबा देखो देखो बाबा के देखो सुंदर लगते हाँ बोलो यशी दीदी आई लव यू बोलो ना देखो तुम्हारे यशी दीदी आलू लिखे थे यशी दीदी आई लव यू दी के हाथों की सुपर टेस्टी चने की सब्जी आ है मजा आ जा गाजर का हलवा जो कि मैं अभी टेस्ट कर रही है वैसे पूरा भरा हुआ था पर अभी खाली हो गया मतलब थोड़ी देर पहले खाली हुआ और अभी तक मैंने टेस्ट नहीं किया रात के बज गए 10:30 अभी मैं टेस्ट करने जा रही हूँ उसको भाई टेस्ट करके सोऊंगी नहीं तो रात भर मुझे इसके ही सपने आते रहेंगे मुझे तो लगा था मैं अब गाजर का हलवा कभी खा ही नहीं पाऊँ क्योंकि मैं यहाँ पर रहती हूँ और यहाँ पर गाजर नहीं मिलता है ये रेड वाला और मुश्किल है पर मेरी बहनों की मेहरबानी है मुझे बेस्ट इतना स्वाद है ना इसमें क्या बताऊँ मेरी बहनों के बारे में मैं जितनी तारीफ करूँ उतना कम है मतलब ये लोग इतनी ज़्यादा दिलदार है कि भगवान मैं क्या बताऊँ इतनी तो मैं नहीं हूँ इतना कुछ तो मैं नहीं भेज पाती जितना इन लोगों ने भेजा मटर भेजे इन्होंने मुझे 2 किलो कम से कम होंगे और वो भी छील गए इतनी मेहनत की इन लोगों ने साग अच्छे से काट के भेजा कि जगह कम ले और मुझे टाइम कम लगे साफ करने में बीट गाजर शलगम कैप्सिकम फिर ब्रोकली सब कुछ इन्होंने भेजा है भाई भर भर के जबकि मैंने बोला था कि थोड़ा भेजना तब इन लोगों ने इतना भेजा अगर मैं थोड़ा भी ज़्यादा बोल देती ना
ना तो पत्ता पता नहीं ये क्या भेजा, धनिया पत्ता तक भी भेजा इन लोगों ने मेरे लिए। और यहाँ पे धनिया पत्ता सिर्फ दो तीन दाल देते हैं 10 रुपए में, वहाँ पे 10 रुपए में पूरा गट्टा दे भेजा इन लोगों ने। और फिर स्वीट पटैटो सब इन्होंने धृति के लिए ज़्यादातर भेजा है, क्योंकि धृति को यहाँ पे अच्छा मिल नहीं पाता खाना, तो वहाँ पे एकदम अच्छा बिल्कुल फ्रेश चीज़ें मिलती है। तो भाई अभी और बाकी है, मूढ़ी यहाँ मिलता है लेकिन फिर भी मैडम ने मूढ़ी भेजा है। और ये है चूड़ा जो कि वो बालू में फ्राई करते हैं ना वो वाला चूड़ा है, ये साहिबगंज आया है, ये भी चूड़ा ये भी साहिबगंज आया बना है मुझे। और ये मेरी माता श्री ने बनाया था, इसमें मूढ़ी नहीं सॉरी चूड़ा है, चूड़ा का लाडू है जो कि संक्रांति में बनाते हैं हमारे उधर वो वाला है। और ये ठेकवा टूटी है, ठेकवा वैसे क्वान्टिटी बहुत कम है, अगर थोड़ी ज़्यादा होती तो मैं अपने बिल्डिंग में भी थोड़ा दे देती, बट अब इतने दूर से इतना ही आ पाएगा सॉरी। और ये ड्रैगन फ्रूट धरती के लिए, और ये है कैरेट, कैरेट ये वाला रेड वाला, यहाँ पे तो ऑरेंज वाला मिलता जो कि अच्छा लगता। और ये शलगम, कितने सालों बाद मैं शलगम खाऊंगी पता नहीं मुझे, क्योंकि बहुत बहुत बचपन में खाया था जब छोटे थे, हम रेंट में रहते थे सर्विस पापा सर्विस में थे जब, तो तब हमने खाया था, जिसके घर पर रेंट पर रहता है ना उनके खेतों में होता था शलगम, तो वहाँ से जाके निकाल के खाता था, मज़ा आता था। और अब जाके मुझे शलगम मिला है, बाप रे इतना सामान, मेरा तो महीना 2 महीना निकल जाएगा, मुझे तो 2-3 महीने तक कुछ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब तो मैं सोच रही इतना कुछ ख़त्म कैसे करूँगी मैं, अब तो मेरे जाने का भी टाइम आ गया। बाप रे मेरी बहनों को मैंने बोला था कि कम थोड़ा भेजना, तो अब इसने इतना भेजा है। अगर भाई मैं बोलती कि हाँ थोड़ा ज़्यादा भेजना था तब तो पता नहीं क्या भेज रही थी भाई बहुत। और मतलब एकदम तैयारी के साथ भेजा उन्होंने, देखो ये काट वाट के सब अच्छे से, साग भी साग का भी डंडी काट के मटर छीन के प्रॉपर एकदम, यही लोग इतना कर सकती है ये लोग भाई कुछ भी कर सकती है कुछ भी, बस एक बार बोल लो महान है।